पहले रांची से आ रही एक बेहद चौंकाने वाली खबर जान लीजिए। ईडी के छापे में दो AK-47 मिली है। ईडी की टीम प्रेम प्रकाश नाम के एक शख्स के घर में रेड कर रही थी। इसी दौरान अलमारी से दो AK-47 बरामद की गई है। प्रेम प्रकाश को हेमंत सोरेन का करीबी बताया जा रहा है। तो बिहार से लेकर झारखंड तक आज CBI और ईडी की रेड चल रही है, लेकिन सबके बीच चौंकाने वाली खबर झारखंड से आई, जहां हेमंत सोरेन के बेहद करीबी प्रेम प्रकाश के घर पर जब CBI की रेड चल रही, तो उस वक्त दो AK-47 भी बरामद हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि जब टीम उनके घर पर रेड करने के लिए पहुंची, जैसे अलमारी खोली गई, दो AK-47 अलमारी से बरामद की गई है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें बरामद किया गया है। तो दो वेपन्स AK-47, दो ये आर्म्स बरामद किए गए हैं। प्रेम प्रकाश जो हेमंत सोरेन के बेहद करीबी, झारखंड के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं AK-47 की तस्वीर, एक बार ये जरा करीब से देख लीजिए। AK-47 ये वो हथियार जो प्रेम प्रकाश के घर से मिले हैं, हेमंत सोरेन के बेहद करीबी हैं। आज बिहार और झारखंड के अलग अलग इलाके में CBI ईडी की रेड चल रही है। बिहार में जहां CBI की रेड चल रही है, तो कहा यह जा रहा है झारखंड में ईडी का एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। और इन सबके बीच प्रेम प्रकाश के घर पर भी आज ईडी की रेड चल रही है, और वहां पर उनके घर की अलमारी से दो AK-47 बरामद की गई है। तस्वीरों में इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये वही AK-47 है जो उनके घर से अलमारी से बरामद की गई है। अब इस बात की भी पड़ताल की जाएगी, क्या ये लाइसेंसी वेपन्स हैं, इन्हें क्यों रखा गया है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या। हमारे सहयोगी अतुल और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या जानकारी इस पूरे मामले में आपके पास? देखिए, सुबह से लगातार रांची और बिहार के कई ठिकानों पर जो है वो लगातार ईडी रेड्स कर रही थी, और जो प्रेम प्रकाश जो कि काफी करीबी सीएम के माने जाते हैं, उनके जो घर पे रेड्स हुई हैं, उसमें दो AK-47 राइफल ईडी ने बरामद की है, जिसकी फोटो भी अब ईडी ने रिलीज की है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि ये AK-47 किसकी है, कैसे यहाँ पर पहुंची, ये तमाम तफ्तीश जो है वो अभी ईडी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सुबह से रेड ईडी कर रही थी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पे, और जिस तरीके से मनेरगा और अवैध खनन का ये पूरा मामला है, जिसके अंदर पहले भी ईडी कार्रवाई कर चुकी है, और आज सुबह से ईडी लगातार एक्शन में थी। 17 ठिकानों पर जो बिहार, रांची, दिल्ली और तमिलनाडु में रेड की गई, जिसमें प्रेम प्रकाश के ठिकानों से जो घर है उसका, वहां से ये दो AK-47 राइफल बरामद की गई है। क्या ये लाइसेंसी हथियार है, कैसे यहाँ पर पहुंचे, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन अभी ईडी करेगी। क्योंकि जिस तरीके से दो AK-47 राइफल जो है वो अलमारी में से प्रेम प्रकाश के घर से मिली है, ये अपने आप में काफी अहम है। ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, और जो करीबी है प्रेम प्रकाश के, उनके भी ठिकानों पर रेड की गई है, और लगातार ईडी जो है वो अभी एक्शन मोड में है। तो जिस तरीके से रांची, बिहार और इसके अलावा तमिलनाडु, दिल्ली में लगातार ईडी की रेड चल रही है मनेरगा मामले में, अवैध खनन मामले में, उस रेड के अंदर प्रेम प्रकाश के घर से ये दो AK-47 राइफल मिलना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी तफ्तीश अभी भी कर रही है। अतुल, जैसा आपने बताया, मामला ये खनन घोटाले का है, इसकी आंच सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी पहुंच रही है, उन्हीं के करीबी ये प्रेम प्रकाश बताए जा रहे हैं, और ईडी के लिए भी बड़ी चौंकाने वाली ये बात रही होगी कि AK-47 बरामद किए जाए किसी शख्स के घर से, वो भी दो दो AK-47। बिल्कुल सौरभ, देखिए ये अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी जब सुबह रेड करने पहुंची थी, तो प्रेम प्रकाश सहित जो करीबी है उनके, उसके 17 ठिकानों पर रेड की गई थी। इससे पहले जब ईडी ने जो अवैध खनन मामले में केस रजिस्टर किया था, उसके बाद आज सुबह जो है वो ईडी रेड करती है, और जब प्रेम प्रकाश के घर पहुंचती है, पूरे घर का सर्च किया जाता है, तो उनकी अलमारी को जब खोला जाता है, तो उसमें ये दो AK-47 राइफल मिलती है। किसकी ये राइफल है, ये पूछताछ प्रेम प्रकाश से की जा रही है, तफ्तीश जो है वो ईडी कर रही है। लेकिन ये राइफल यहाँ पर कैसे पहुंची, किस पर्पज से यहाँ पर रखी गई थी, और ये तफ्तीश जो है वो अभी ईडी करेगी, जिसका खुलासा अब तक ईडी ने नहीं किया है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही सौरभ, ये दोनों AK-47 राइफल जो है वो ईडी ने रिकवर की है। सबसे अहम बात यहाँ पर ये कि अवैध खनन मामले में जिस तरीके से ईडी सुबह से लगातार एक्शन में है, 17 ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें दिल्ली, इसके अलावा जो रांची और बिहार और तमिलनाडु ठिकानों पर, 17 ठिकानों पर रेड की गई है, और इस जिस तरीके से प्रेम प्रकाश जो कि मुख्यमंत्री के काफी करीबी है, उसके घर से दो AK-47 मिलना, ये अपने आप में काफी अहम है। तो अभी जो ईडी की रेड्स है वो लगातार चल रही है। उम्मीद ये मानी जा रही है सौरभ कि शाम तक जो डाटा पूरा, जो रिकवरी हुई है, उसके डिटेल्स ईडी देगी। लेकिन अभी सबसे अहम खबर यही है कि दो AK-47 प्रेम प्रकाश के घर से ईडी ने उसकी अलमारी से जब्त की है, उसकी पूछताछ चल रही है, और क्या क्या रिकवरी होगी ये भी देखने वाली बात होगी। ये तो और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब ये रेड हुई, और उस AK-47 की तस्वीरें भी, दो AK-47 राइफल्स यहां से बरामद हुई है।
और जिस घर पर रेड डालने के लिए सुबह ईडी की टीम पहुंची थी, आप वहां क्या वहीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ईडी के लिए भी हैरान कर देने वाली ये बात है कि घर से दो AK-47 राइफल्स मिली। इसी घर से प्रेम प्रकाश नाम के शख्स इस घर में रहते हैं, यहां से ये दोनों AK-47 बरामद हुई हैं। अब इनका क्या रिश्ता है हेमंत सोरेन से प्रेम प्रकाश का, बताया जा रहा है कि कोई निकट संबंध, कोई इनकी रिश्ता है उनके साथ, कुछ ऐसा सोर्सेस का कहना है, उनके करीबी माने जाते हैं। लेकिन AK-47 का मिलना ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज बात है। अतुल, कोई आम हथियार नहीं है AK-47। AK-47 का इस्तेमाल दुनिया भर की सेनाएं करती हैं, इसका इस्तेमाल हमने देखा नक्सली भी करते हैं, और एक आम सिविलियन के घर में AK-47 मिलना वाकई बहुत शॉकिंग बात है। बिल्कुल सौरभ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिस तरीके से रेड्स ईडी ने की थी, और जब वो प्रेम प्रकाश के घर पहुंचती है तो पूरे घर के अंदर रेड्स की जाती है, तमाम अलमारियां खुलवाई जाती है। और जब ये अलमारी पीछे कमरे में थी, जब इस अलमारी में खुलवाया जाता है तो आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, जो तस्वीर सामने आई है उसके अंदर दो AK-47 जो है वो अलमारी के अंदर रखी हुई मिलती है। ईडी ने इनको जब्त कर लिया है, किस पर्पज से ये दोनों AK-47 यहाँ पर रखी हुई थी ये तफ्तीश अब ईडी करेगी। निश्चित रूप से जो लोकल थाना है वहां पर भी केस रजिस्टर कराया जा सकता है, जिसको ईडी जो है वो अपनी एक कंप्लेंट देगी। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यही बात होगी कि आखिर ये दो AK-47 राइफल प्रेम प्रकाश के घर पर कैसे पहुंची, किसलिए यहाँ पर रखी गई थी, ये अब पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर ये कि जिस तरीके से सुबह से ईडी जो है वो एक्शन मोड में है, प्रेम प्रकाश और तमाम राजनेताओं के जो करीबी हैं उनके 17 ठिकानों पर रेड्स की जा रही थी, रांची बिहार में मुख्यतः ये रेड्स की जा रही है। और ईडी ने जब प्रेम प्रकाश के घर पहुंचती है तो वहां से उसकी अलमारी से दो AK-47 राइफल मिलती है। कैसे ये राइफल यहाँ पर पहुंची, इसकी तफ्तीश जो है वो अब ईडी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से राइफल रिकवर हुई है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी को लगातार यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, अवैध खनन का मामला था, उसमें लगातार ईडी एक्शन में थी, और अब ये दो राइफल मिलने से निश्चित रूप से ईडी अब इस जो राइफल मिली है ये कैसे यहाँ पर राइफल पहुंची, इसकी तफ्तीश अभी भी करने वाली है। जी सर, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।